शुक्रिया एक आ, स्पेस जो थोड़ा अच्छा लग रहा है ना जो अब तक हमारा डिस्कशन हुआ उसमें पी बैंक्स एच टी एफ सी लाइफ एस बी आई लाइफ और एक एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस अभी भी जो वहाँ पे भी अच्छा मोमेंटम बनाया तो कैनरा बैंक यहाँ पे काफी चार सौ अट्ठावे पांच सौ पांच के टारगेट के लिए केनरा बैंक बाय किया जा सकता है यहाँ पे फोर सेवेंटी नाइन के आसपास के स्टॉप लॉस रखे और हमें लगता है इंश्योरेंस सेक्टर जो की आपने बात किया उसमें आईसीआईसी प्रू पे एक अच्छा सेटअप बनते हुए दिख रहा है तो आईसीआईसी प्रू को यहाँ पे बायोग किया जा सकता है यहाँ पे जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखाए ये हमें लग रहा है टारगेट 524 530 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है तो ऐसे ऐसे प्रूफ पे बाय करने की सलाह है ऐसे प्रूफ और केनरा बैंक हो गया फिर शिल्पा जी अभी हम एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का डिस्कशन कर रहे थे अभी हाउसिंग पर डिस्कशन भी हो तो पैनल में

आ, बिल्कुल और मार्केट काफ़ी वोलेटाइल हो रहा है इसमें बार बार हरा लाल हरा लाल के बीच में हो रहा है लेकिन अभी भी मिड कैप रेड में है लेकिन बैंक निफ्टी ऊपर आ गया ठीक ठाक जैसे अभी बातचीत भी हो रही थी कि रेट कट के लिए आरबीआई को काफ़ी जो है कंफर्ट मिलेगा और इसीलिए बैंक निफ्टी ज़्यादा अच्छा मूव कर रहा है लेकिन फिर भी वो समझने की कोशिश कर रहा है और हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं प्रकाश जी मेरे साथ जुड़ चुके प्रकाश दीवान जी सर क्या पिक किया आपने से टू बी ऑनेस्ट देखिए इसमें बहुत सब चीज़ों में बयान तो आए बट कोई ऐसी कोई चीज़ स्पेसिफिक काम लगेगी काम आएगी ऐसा तो नहीं है बट हाँ कुछ क्षेत्र में आपको एक एक डेप्थ शुरू हो जाएगी दिखनी खास करके जो ये मिड अफोर्डेबल हाउसिंग वाला जो सेगमेंट है इससे इससे मुझे लगता है एक बहुत बड़ा आ, ग्रोथ आपको खुलना शुरू हो जाएगा सेकेंडली रेलवेज और डिफेंस का जो आउटलेट हैं वो बरकरार रहे लागत सही है कि आपको छः लाख करोड़ अभी भी डिफेंस साइड में लगे रहेंगे पैसे लगेंगे आउटले आएंगे और रेलवेज uh, में भी 2.5 लाख करोड़ का जो 2.55 पॉइंट तो ये ये नंबर्स बहुत पॉजिटिव है तो जैसे मैंने सुबह भी कहा था कंटिन्यूटी वाला मामला है स्पेसिफिक uh, कोई अगर स्टॉक्स ले रहे हो तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में से पी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एक बहुत पसंद है मुझे तो वो उसको और भी स्ट्रेंथ uh, उसमें दिख रही है कि लेने लायक बन जाएगी चीज़ें और ख़ास करके जो रेलवे कोचेस में भी एक कन्वर्जन की जो बात की उन्होंने जो वंदे भारत uh, कन्वर्ट करे, करें करेंगे सो so, वो अपॉर्चुनिटी तो ऑन गोइंग है ही है लेकिन अब और वेग ये सब चीजें सो जो आपके टारगेट्स थे इन टर्म्स ऑफ बिजनेस आउटकम्स वो सारे जो हैं वो थोड़े से आपको जल्दी होते हुए देखेंगे तो एक एक जो डिसपॉइंटमेंट कहीं आने की वो थी पॉसिबिलिटी कि कहीं बहुत ज्यादा स्टॉक्स ज़्यादा हो गए अर्निंग्स नहीं कैचअप हो रही वो सब चीज़ें अब नहीं होंगी इसमें ओके